वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत सस्ते फ्लैट, चौल में रूम, वो गाले और खाली जमीन को बेचने के नाम पर ग्राहकों के साथ ठगी करना अब कोई नई बात नहीं है। यहाँ के छुटमुट स्टेट एजेंट भी अपने आप को बिल्डर बताकर ग्राहकों के साथ ठगी करने में थोड़ी भी देरी नहीं करते। यह ठग घर या जमीन खरीदने वाले ग्राहकों से जब तक पैसा नहीं आता तब तक उन्हें बड़े बड़े लुभावने ने सपने दिखाते हैं, और जैसे ही भोले भाले ग्राहकों से ये ठग लाखों रुपए ले लेते हैं फिर उन्हें कभी मुंह तक नहीं दिखाते, और अगर भूले भटके वो ग्राहक दोबारा उनसे टकरा जाए तो पहले तो उन्हें पहचानने से ही इनकार कर देते हैं और बाद में उसे डरा धमका कर यहाँ तक कि मार पीट कर भगाने की कोशिश भी करते हैं। फिर चाहे वो ग्राहक महिला हो या पुरुष, ऐसा ही एक मामला सामने आया नाला सोपारा पश्चिम का, जहाँ आरती पिल्लई नामक महिला 2021 में घर खरीदने हेतु खुशी इंटरप्राइजेस के बिल्डर राज खांडवीकर और सुरेंद्र झोरे से मिली, जहां उन्हें एक निर्माणाधीन इमारत दिखाई गई। वहीं जगह पसंद आने पर आरती ने इन बिल्डरों को एडवांस टोकन के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए, जिसके बाद इन ठग बिल्डरों ने आरती का फोन उठाना ही बंद कर दिया। वहीं 8 फरवरी 2023 को नाला सुपारा पश्चिम स्थित बस डिपो के पास अचानक आरती पिल्लई की नज़र सुरेंद्र झोरे पर पड़ी। उसने झोरे से अपने पैसे मांगे परंतु झोरे ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया, तथा जिसके उपरांत झोरे ने आरती को गंदी गंदी गालियां दी तथा उन्हें बेइज्जत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और अंततः शारीरिक छेड़छाड़ करते हुए आरती पिल्लई की पटक पटक कर बुरी तरह पिटाई कर दी। वहीं यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती माइकल पिल्लई है सर। मैडम क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरे साथ में एक बंदे ने अन्याय किया है। उसने मुझे रूम दिखा था करके बोला, रूम दिखाने के बाद में उसने मेरे से 2 लाख रुपया मांगा था, मैंने उसको 1.5 लाख रुपये कैश दिया था सर। जब बंदा मुझे 2 साल के बाद में मिला तो उस बंदे ने मेरे साथ में इतना अन्याय किया है, क्या उसका कुछ मैं हिसाब भी नहीं बोल सकती हूँ, क्या क्या मैं उसको जो मेरे फीलिंग्स जो मेरे पेन्स है मैं वो शेयर भी नहीं कर सकती हूँ सर। कौन है वो? वो है सुरेंद्र झोरे और राज खांडवीकर, मंगेश है, ये उसके सब पार्टनर्स हैं सर। तो क्या क्या उन्होंने आपके साथ? सर वो सुरेंद्र झोरे को जो एक प्रकाश पोर्लेकर सर के पहचान से मैं पहचानती थी, उनको उन्होंने मुझे रूम बोला, आपको लोन निकाल के देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको सब चीज़ हम लोग एडजस्टमेंट करा के देंगे। इस बंदे ने ऐसा करके मेरे से पैसा लिया और वो पैसे का उसने कुछ भी हिसाब नहीं दिया सर। उसने जो हमें साइट बताया वो बोला मैं बिल्डर है, मेरा पार्टनरशिप में है, ये सब उसने बताया, बट उसके कुछ भी पेपर्स वगैरह क्लियर नहीं थे सर। जब मैंने मुझे पता चला क्या उसके साइट देखने के बाद में उसका काम सब बंद है, उसका कुछ काम नहीं चल रहा है, तो उस बंदे से मैंने बोला सर आप हमें हमारा पैसा दे दो, मुझे नहीं लेना है करके। ये घटना कब की है सर? ये घटना है 2021 की घटना है सर। फिर क्या हुआ सर? फिर उस बंदे ने अभी मुझे मिला, इतना टाइम उसको पुलिस स्टेशन में हम लोग ने कंप्लेंट दिया, पुलिस लोगों ने कहा ये FIR हम लोग नहीं कर सकते हैं करके, तो मैंने जाके BJP वाले के जो कार्यकर्ता थे जहाँ पर BJP के ऑफिसेस है, तो उनके भी मैंने विरार के ऑफिस में गई, उनको बोला मेरे को थोड़ा सा आप मदद कीजिए। उन कार्यकर्ता ने भी मेरी मदद नहीं किया, उनको तो वो सुरेंद्र झोरे डायरेक्ट बोलता है कि आप लोग इसमें मत गिरो, जो कुछ है मैं संभाल लूँगा। ये मैंने अप्पा नारायण है ना उनके पास भी गए, उनको भी उसने कहा जो कुछ है मैं संभाल लूँगा। यहाँ पर नाला सुपारा में है स्टेशन के पास BJP का ऑफिस, वहाँ पर मैंने जाके मदद मांगा, उनको भी उन्होंने सेम स्टेटमेंट दिया कि आप लोग के मैटर में मत गिरिएगा सर करके। तो अभी आपके साथ एक वीडियो आई है कि इसमें के अंदर आपको पीटा जा रहा है, क्या मामला था ये? सर ये मामला क्या था, जब मैं ऑफिस से आ रही थी दोपहर के वक्त, भाजपा ऑफिस से नहीं सर अपने ऑफिस से मैं आ रही थी, तो वहाँ से मैं आते आते वो ST डेपो है, ST डेपो के पास में एक फ़ोटो मतलब जो भगवान के फ्रेम होते हैं ना, वो फ्रेम का दुकान है जहाँ पर गणपति वगैरह बेचा जाता है वो दुकान, और एक चाय वाला है, वो चाय वाले के पास वो बंदा गाड़ी के पास खड़ा था, सुरेंद्र झोरे गाड़ी के पास खड़ा था,
तो मैंने उस बंदे को देखा, मैंने बोला काय झालं भावा, माझे पैसे विषय काय? तो वो बोलता है तू कौन, क्या कौन? वो मेरे मतलब मेरे साथ वो हाथापाई करने लगा, हाथापाई करने। मैंने बोला क्या हो गया? तो उसने क्या किया, मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीना। उसको लगा मैं थोड़ा सा डर जाऊंगी, मुझे डर बताया उसने। तो उस बंदे ने मेरे साथ में ऐसा हाथापाई किया, हाथापाई में उसने मुझे मेरा ऐसा बोलते ना कैंची में ऐसा गला दबा दिया, कैंची में गला दबाने के बाद में मेरा बैलेंस चले गया पीछे और मैं स्लिप हो गई। मैं स्लिप होने के बाद में उसने मेरे साथ में ऐसा मेरे बदन पे ऐसा पकड़ के खींचा मुझे, वो चाय वाले की दुकान के पास से मुझे आगे तक खींच के उसने घसीट के लेके आया। जब भी मैं वो अपन पब्लिक ने उसको मारहन करने के लिए उसको पकड़ा गया, पर वो बंदा भाग गया। जब भी वो अप्पा नारायण का ऑफिस है, बीजेपी का ऑफिस है, वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ पर भी उन्होंने उसका कुछ नहीं किया सर। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दे, पुलिस वाले ने भी बोलते कुछ नहीं, ये कोर्ट का मैटर आप लोग कोर्ट में देख लीजिएगा सर। पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक FIR लिख के दे दिया और उसके बाद में वो उसको भी हाजिर वगैरह कुछ नहीं किया। बट कुछ दिन के बाद में पुलिस वाले ने हमें बुलाया, एक FIR दे दिया, वो बोलते कोर्ट का मैटर है। और मालूम गिरा वो बंदे ने जाके पुलिस वालों ने वो राज खांडवीकर को बुलाया और सुरेंद्र जूरी को भी बुलाया सर, उसके पार्टनर को, ये दोनों पार्टनर थे। उन्होंने हंस खेल के पुलिस वालों लोग के साथ में मांडवली कर दिया, नाला सुपारा के पुलिस स्टेशन में बिरयानी वगैरह दे के उन लोग को सब सेटलमेंट कर दिया सर। ये आप किस आधार पे कह सकते हो? क्या सर कि उन्होंने मांडवली की है पुलिस के साथ? सर पुलिस के साथ में जब भी पुलिस हम लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, वो बंदे ने डायरेक्ट बोल दिया तुमको जो करने के वो करो करके। और पुलिस वाले सर हमको बोलते हैं कि आपको कोर्ट का मैटर है, आप लोग कोर्ट में देख लीजिएगा सर। वहीं नाला सुपारा पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरती पिल्लई की ओर से विनय भंग का मामला भी दर्ज किया है, परंतु उस पूरे FIR में पुलिस ने आरती के साथ फ्लैट के नाम पर की गई धोखाधड़ी का जिक्र तक नहीं किया। आखिर क्यों, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नर मधुकर पांडे के द्वारा कई धोखेबाज बिल्डरों पर कार्रवाई की गई है, तो फिर नाला सुपारा पुलिस राज खांडवीकर और सुरेंद्र जोरे नामक इन धोखेबाज बिल्डरों को आखिर क्यों बचाना चाहती है? नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स TV News की एक रिपोर्ट।